अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्यूजन कुकिंग में आपका वेलकम है। आज मैं जो आपको एक रेसिपी बताने जा रही हूँ वो बहुत मज़े की स्वीट डिश है और बहुत ज़्यादा हर घरों में बनाई जाती है और हर डिफरेंट स्टाइल से हर कोई बनाता है इसको, मगर ये जो है बहुत मज़े की, बहुत पसंद की जाती है ये। जी, आपने सही पहचाना, आज मैं बना रही हूँ सेवैयों का ज़रदा और ये बहुत मज़े का बनता है। और जिस तरह से मैं बनाती हूँ, जो ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है मेरे हाथ का बना हुआ, और मैं आपको वही रेसिपी बताती हूँ जिस तरह से मैं बनाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये मैंने लिया हुआ है एक पैकेट के करीब सेवैयाँ, ये ब्राउन कलर की लीजिएगा, वाइट कलर की भी आती है, अगर वाइट कलर की आप लेंगे तो वो भुनी हुई नहीं होती है, उन्हें फिर आपको भूनना होगा। ये थोड़ी सी ब्राउन कलर में होती हैं, ये भुनी हुई होती हैं तो इसको ज़रा कम भुनना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपने ले लेना है, और ऐड करने को तो इसमें आप काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए। जाहिर सी बात है, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, इतने मज़े की बनेगी ये सेवैयाँ, ठीक है। तो इसमें वैसे तो मैं जो है वो देसी घी इस्तेमाल करती हूँ, होममेड बनी हुई अपने घर की, मगर वो ख़त्म हो गई थी तो इस वजह से मैंने बाहर पैकेट की, जो बाहर की जो घी होती है कोई सी भी ब्रांड की आप वो ले लें। ये मैंने एक कप के करीब जो है वो घी लिया हुआ है। ये मैं डिपेंड करता है, मैं पहले इसमें इसको डालूंगी, देखूंगी कि इसमें कितनी मुझे और घी की ज़रूरत है कि नहीं है, उस हिसाब से हो सकता है मैं इससे कम घी यूज़ करूँ, हो सकता है इतना ही यूज़ करूँ या इससे ज़्यादा यूज़ करूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये एक कप के करीब दूध है। दूध का भी यही होता है मेजरमेंट के मैं अपने हिसाब से, अभी आप देखेंगे जिस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँगी आपको अंदाज़ा होगा। कुछ लोग इसको पानी में बनाते हैं पूरा, जब भून लेते हैं सेवैयों को तो उसमें पानी डाल के उसको दम पे रखते हैं, लेकिन मैं उसको दूध से दम पे रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छा टेस्टी सा अंदर से उसका फ्लेवर आता है दूध का, ठीक है। एक कप के करीब मिल्क पाउडर है, किसी भी ब्रांड का आप ले लें, ठीक है, बहुत मशहूर ब्रांड है आपको पता है, वो ब्रांड आप लोग ले सकते हैं मिल्क पाउडर का। वन कप के करीब ये है, इलायची पाउडर है 1 टीस्पून के करीब, ठीक है। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इसको मैंने कूट लिया है, पिस्ता और बादाम, ठीक है, पिसा वो खोपरा है, ये भी मैं इसमें जाएगा। चीनी भी जो है वो हस्बे जायका है, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर कोई ज़्यादा चीनी लेता है तो आप उसमें ज़्यादा चीनी डाल लें, ये 1.5 कप के करीब चीनी है, ठीक है। और ये जो है इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पेड़ा, पेड़ा, ठीक है, पेड़े पेड़े को मैं ऊपर से गार्निश करूँगी ड्राई फ्रूट्स के साथ, ठीक है। और आप बलाई भी डाल सकते हैं, दूध की बलाई, वो भी लोग पसंद करते हैं, कुछ भी आप जिस तरह से भी चाहें आप इसको गार्निश कर सकते हैं, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल सी, बहुत ही इजी रेसिपी है, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले, मुझे पता चलता रहे कि आप, यानी कि मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें और अच्छी करनी चाहिए। आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीली में, जिसमें मुझे ये बनाना है, उस पतीली के अंदर मैं इस घी को डालूंगी, घी ऐड करूंगी मैं आधा तकरीबन, ये घी ऐड करूंगी हाफ, इसके अंदर ये हाफ जो है वो घी चला गया, ठीक है। घी इतना हमें डालना है कि इसमें सेवैयाँ डूब जाए, ठीक है। तो अब मैं इसमें जब सेवई डालूंगी तो मैं ये देखूंगी कि इसमें सेवैयाँ इस घी के अंदर डूब रही हैं कि नहीं डूब रही हैं, अगर नहीं डूब रही होंगी तो मैं और घी डालूंगी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ, ये इलायची जो है इनको मैंने कूटा, इलायची पाउडर डाल दिया मैंने, इसकी थोड़ी सी खुशबू आ जाए तो मैं इसमें सेवैयाँ ऐड करूँगी। अच्छा, अब इसमें इलायची की खुशबू आ गई, अब इसके अंदर मैं ये सेवई जो एक पैकेट के करीब थी ये सेवई इसमें चली जाएगी सारी, ठीक है, सेवई डालूंगी मैं। अब इसको मैं थोड़ा मिलाऊंगी और चेक करूंगी कि इसमें घी जो है वो घी को इसमें पूरा कवर कर लिया है या नहीं, और आँच हमेशा धीमी रखनी है ताकि ये जले ना, इसको हल्की आँच पे हल्का सा फिर फ्राई करेंगे। ये ऑलरेडी भुनी हुई सेवई है तो इसे मैं इतना नहीं भूनूंगी, ठीक है। सो व्यूवर्स, ये देखें, ये सेवैयों को मैंने
अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। और मेरे ख्याल से मैंने एक जो है कप के करीब घी लिया था, उसका आधा मैंने इसमें डाला था, हाफ कप डाला था घी। और इसमें मेरे ख्याल से ये पूरी डूब चुकी हैं, इसके अंदर मुझे और मज़ीद घी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी चीनी, ठीक है। चीनी डाल के बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस करना है ताकि लग ना सके, लगे ना नीचे की तरफ। चीनी डालनी है, चीनी डालने के बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, लेकिन जल्दी जल्दी प्रोसेस करना है सारे। फ्लेम को, चूल्हे को बहुत हल्का रखना है, मैंने इसलिए रखा हुआ है कि मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ, वरना अगर मैं नहीं रखती, ये मैंने आधे तकरीबन एक कप के करीब जो है ये चीनी डाली है मैंने, सही है। इसको देखें, मैं इस तरह से इसमें मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत तेज़ मीठा पसंद करते हैं, चीनी वो ज़्यादा लेते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी चीनी ले, आपके घर में खाई जाती है, पसंद की जाती है, आप उतनी चीनी डालें। चीनी को डाल के मैं थोड़ा सा इसमें मिक्स करूँगी। अच्छा, ये अच्छा जी, ये जो है मैंने इसमें चीनी डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया। अब इसके साथ मैं मिल्क पाउडर ऐड करूँगी, ये देखें ये मिल्क पाउडर जाएगा इसके अंदर। इसको बहुत अच्छे से, मिल्क पाउडर जलने ना पाए, ये पूरा मिल्क पाउडर जो मैंने लिया था तकरीबन हाफ कप या पौने कप के करीब लिया था, या एक कप था, जितना भी था, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना गुड़ डालेंगे मीठा होगा, वो मैंने आपको बात बोली थी। ये देखें, इसको मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूँगी। ये देखें, मिल्क पाउडर डाल के मैंने चूल्हा बहुत हल्का इसलिए रखा हुआ है कि मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ, अगर मैंने चूल्हा हल्का नहीं रखा तो ये पाउडर, मिल्क पाउडर वगैरह सब चीज़ें जल जाएंगी, ठीक है। इसे हमने जलने नहीं दे रहा है, इसको हल्की आंच पे करके सारे प्रोसेस करने हैं जल्दी जल्दी से। अब इसमें मैं, ये देखें, दूध जो मैंने एक कप में लिया हुआ था, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इतना ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, कि बस इसको दम पर पकाना है मुझे, इसके दूध से इसको मैं दम दूँगी, ठीक है। मैं देखती हूँ इसकी कितनी क्वान्टिटी मुझे रखनी है, इतनी रखनी है कि इस दूध के अंदर ये सब चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाए और ये दम पे पक जाए, ठीक है। ये दूध इसमें जाएगा, ये देखें, पूरा डाल देती हूँ मैं इसको, पूरा एक कप दूध इसमें डाल देती हूँ और इसको दम पे रख देती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये दूध मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये जो मैंने पेड़ा रखा हुआ था, इसका आधा पेड़ा जो है वो मैं इसमें अभी डाल रही हूँ और आधा जो है ऊपर से गार्निश करूँगी, ठीक है। अभी इसको मिक्स करके मैं इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, ये देखिए मिक्स कर दिया, ये देखिए इस तरह से मैंने। अब इसको मैं बिल्कुल ही हल्की आंच पे, दम पे जैसे पकाते हैं उस तरह से इसको पकाऊंगी। पहले मैं चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ ताकि इसमें बॉयल आ जाए, क्योंकि मैंने बहुत चूल्हा हल्का करके प्रोसेस किए हैं सारे, ताकि आपको दिखा सकूँ, वरना जलने लग जाती है। मिल्क पाउडर और चीनी बहुत जल्दी जलती है, इस वजह से मैंने चूल्हे को हल्का किया हुआ था, ठीक है। अब मैंने चूल्हा तेज़ किया ताकि इसमें बॉयल आ जाए, जैसे ही इसमें थोड़ा सा बॉयल आता है मैं इसको हल्की आंच करके इसको दम पे पकाऊंगी। ये देखें जी, ये आ गया है बॉयल इसके अंदर। अब मैं इसको हल्की आंच कर रही हूँ, ये देखें मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दिया। अब इसको ढक रही, अब ये दम पे जो है वो पकेगा और इसे मैं थोड़ी देर में चेक करूँगी कि ये कितना हुआ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो जनाब 15 मिनट्स के बाद मैं इसको ऑन करके, ओपन करके देख रही हूँ, और ये देखें कितने ज़बरदस्त और कितने मज़े की ये सेवैयाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये देखें, ये देखें, आपको भी देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ, ये देखिए इस तरह से होगी, ये हल्की सी गीली गीली सी होती है, बहुत मज़े की होती है। इसमें घी भी आ रहा है, इसमें दूध भी आ रहा है, और इसका ये कलर जो है इस तरह से आ रहा है, ये देखें। ये अब इसको मैं निकालती हूँ और फिर इसको मैं गार्निश करती हूँ, फिर डिश आउट करती हूँ। और ये देखें, मैंने इसको डिश आउट कर दिया है, और देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी मज़े की लग रही है। इसमें जो मैंने इसमें पाउडर मिल्क डाला था और दूध से इसको दम लगाया था, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर मैंने छोटे छोटे, देखिए आप, खोए के पीस आ रहे हैं, इस तरह से लग रहा है। ये बहुत मज़े का लग रहा है देखने में भी, और इंशाल्लाह खाने में भी आप लोगों को बहुत मज़े का लगेगा इस तरह से आप लोग भी बनाएंगे तो। अच्छा चले, अब मैं इसको गार्निश करती हूँ। ये देखें, अब मैंने इसको गार्निश कर दिया है। इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी थे वो इसमें डाला है, मैंने इसमें पिसा हुआ खोपरा डाला है, और जो मैंने पेड़ा था जो मैंने आधा बचा लिया था उसको मैंने क्रश करके हाथों से वो इसके ऊपर डाला है। और ये बहुत ही मज़े की बनती है ये रेसिपी, आप ट्राई कीजिएगा। और मैं बता रही हूँ, गारंटी है कि ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और लोग आपसे फरमाइश करके बनाएंगे। जब मैंने पहली दफ़ा बनाया था, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी और वो हर दफ़ा मुझसे ये रेसिपी, ये चीज़ बनवाते हैं, इस तरह से बनवाते हैं, ठीक है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है,
मेरी अम्मी ने मुझे बताई थी और बहुत मज़े की होती है ये रेसिपी। आप भी फॉलो कीजिएगा बिल्कुल इसी स्टेप्स के साथ और इसी तरह से फॉलो कीजिएगा, तो ये इंशाल्लाह आपकी भी बहुत मज़े की ये रेसिपी तैयार होगी। ये देखिए आप सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं और सारे जो भी है इसमें आप, इसमें मैं दूध की बलाई भी डालती हूँ क्योंकि दूध की बलाई डालने से अगर इसमें ज़्यादा आपको मिठास लग रही है तो वो उससे ये होता है कि वो कम हो जाती है मिठास। ओवरऑल ये वैसे ही बहुत मज़े का होता है, अगर आप बलाई ना डालना चाहें, नहीं पसंद करते तो आप ऐसे भी खा सकते हैं और बहुत ही मज़े की होती है ये रेसिपी। ये देखिए, ये देखिए कैसी ज़बरदस्त और कितनी मज़े की ये रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। मैं इस चीज़ की आपको 101% गारंटी देती हूँ कि आपने इसी स्टेप को फॉलो करते हुए अगर ये बनाई तो ये आपके घर में भी जो भी इसे खाएगा और वो हर दफ़ा आपसे फरमाइश करके ये रेसिपी, ये चीज़ बनवाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है। इस तरह से लोग बहुत डिफरेंट स्टाइल से बनाते हैं, अलग अलग हर किसी का तरीका होता है, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाया था तो मैंने भी आपको बताया कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे दोबारा से ये फरमाइश करके हर दफ़ा बनवाते हैं और आज भी मुझसे बनवा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो आप उनके लिए बना रही थी तो मैंने कहा आपके लिए भी शेयर कर दूँ ताकि आप लोग भी ये बनाएं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपी ताकि आपको मेरी नई नई सी रेसिपीज़ मिलती रहे। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और शेयर भी कर लें। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।